पर बात करेंगे पांडुचेरी T20 मुकाबला जो खेला जाएगा, वैसे T10 मुकाबला जो पांडुचेरी का खेला गया था तो वो हम लोगों ने कवर किया था, ठीक ठाक गया था, वो काफ़ी टाइम की बात है, लेकिन बहुत टाइम बाद आज मैं मैच कवर कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं भगवान की कृपा से बेहतर जाए। लेकिन दोस्तों अगर यदि आप ऐसे मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं, इनके अलावा जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी सारा कुछ इनकम करने का स्रोत टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नजर आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट पे पिन किया गया होगा, उनकी सहायता जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों के पास 15 से 16 ऐसे प्लेयर है जो कि काफ़ी बढ़िया, दोनों टीमों के पास स्क्वाड बड़ी है, लेकिन ये तो 16-16, 32 प्लेयर हो जाता है या फिर 15-15, 30 मान लो, तो सारे प्लेयर को तो पिक नहीं कर सकते। लाइनअप आने के बाद जो बेस्ट प्लेयर रहेगा उन्हें पिक करना है, लेकिन अभी ये नहीं कंफर्म किया जा सकता कि प्लेइंग 11 11 ये होना चाहिए। फिर भी हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर सीजन T20 मुकाबले हम लोगों ने पांडुचेरी का देखा है, T10 इस सीजन भी देखा है, अगले सीजन भी देखा था, तो उम्मीद है। डी रोहित यहाँ पर ओपन आते हैं, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर जाते हैं, बहुत टेक्निकल बल्लेबाज है, यस ज्यादा हो सकता है कुछ प्लेयर ड्रीम इलेवन का हिस्सा नहीं हो, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। जिस एमओर एक देखा जाए T10 पे ओपन आते थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो पांचवें नंबर पे आते हैं। जे मणिकंदन यहाँ पर थोड़ा नीचे आते, वहाँ पर ये वन डाउन या फिर ओपन जे मणिकंदन T10 में किया करते थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा कृष्णा पांडे एक ही ओवर डाला, अविनाश की बात के 3 ओवर 37 रन, आर सुरेश यहाँ पर 1 विकेट ले गए, पर डूबी की बात के 2 विकेट ले गए, ये T10 में बेहतर कर रहे थे। इनके अलावा आकाश की बात किया, यहाँ पर 2 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट, PS की बात के 3 ही ओवर गेंदबाजी किया, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन वक्त हम लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो अलग अलग क्लब से भी खेल लेते थे, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। खैर यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी चलिए हम लोग ये गेंदबाजी है, डी रोहित यहाँ पर 2 ओवर 11 रन देकर 1 विकेट, ए राजीव की बात के 4 ओवर 16 रन देकर 1 विकेट, इनके अलावा अरविंद राज काफ़ी बढ़िया है, ये डेथ में डालता है, हालांकि इस मैच में 2 ओवर डाला गया, ऐसे डोमेस्टिक मैच में होता है। अभी मैथ्यू की बात किया, बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका में ये रहते हैं, गुरविंदर सिंह जबरदस्त रिकॉर्ड है इनका, लास्ट का 5 मैच का रिकॉर्ड देखोगे जहाँ पर इन्होंने 11 विकेट लिया है। कार्तिक विनायर 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, तो दोस्तों चलिए हम लोग कॉम्बिनेशन वक्त समझेंगे, क्योंकि स्क्वाड बड़ा है वहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो Instagram पे मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। नेटवर्क की थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, बारिश काफ़ी लगातार हो रही है इस वजह से, तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें के भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे तो पड़ रहा है। सबसे पहले PAN की टीम की बात किया, दोस्तों देखो जी सैमुअल ये जबरदस्त है, नो डाउट, और ट्राई करना चाहिए। इनके अलावा दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन में देखा जाए, पी सुनील कुमार पार्ट टाइम गेंदबाजी, साथ में बल्लेबाजी T10, हम लोगों ने इनको नज़दीक से देखा, ठीक ठाक बल्लेबाज है, ट्राई करना चाहिए। एन खान भैया जबरदस्त बल्लेबाज, आने के साथ छक्के चौके इतना ईजी मारते हैं, अब देखोगे 30 या 35 रन मारेंगे जहाँ पर 4 से 5 सिर्फ छक्के रहते हैं, तो नदीम खान बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। PAN की टीम पहले बल्लेबाजी करेगा तो कैप्टन VC भी दे सकते हो। डी रोहित जहाँ पर पार्ट टाइम गेंदबाजी, साथ में बल्लेबाजी, अभी यहाँ पर मैं PAN का प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो डी रोहित यहाँ से इंपोर्टेंट रहेगा, कैप्टन वहाज भी आप ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा भरत भूषण शर्मा की बात किया, जबरदस्त गेंदबाज है, बल्लेबाजी भी ये कर लेता है, लेकिन गेंदबाज के दृष्टि से आपको इनके ऊपर फोकस करना है, जो कि बढ़िया है। इनके अलावा दोस्तों ये भी प्लेयर नयन की बात के, अगर यदि खेलेगा तो इंपोर्टेंट रहेगा, जबरदस्त लेग स्पिन गेंदबाजी करता है, लेकिन कितना गेंदबाज खेलेगा, कितना ओवर ये डाल सकता है, तमाम चीज लाइनअप के बाद ही पता चलेगा, तो इन्वेस्ट उसी अनुसार करेंगे। पी आकाश की बात क्या, GL पे ट्राई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उतना खास रिकॉर्ड मुझे लगा नहीं। नोमन शर्मा आप लोगों को याद होगा T10 में मैंने डाला था, जबरदस्त स्पिन गेंदबाजी करता है, पावर प्ले में भी 1 से 2 ओवर डाल जाए आपको हैरान नहीं होना, क्योंकि गेंदबाज ही कुछ खास है। एम पांडे की बात कर, डेथ ओवर में ये डाल रहा था, आपको पता होगा मयंक पांडे,
आठवां और दसवां ओवर डाल रहे हैं तो वहाँ पर विकटें मिलने के चांस अधिक थे। तो मयंक पांडे T10 में बेहतर के यहाँ भी बेहतर करना चाहिए। जे मणिकंदन वैसे पार्ट टाइम गेंदबाजी जरूर करता लेकिन T20 में काफ़ी कम गेंदबाजी आपको करते हुए नजर आएंगे, तो हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट जरूर है ट्राई करने लायक। अब देखो विनय प्रताप सिंह की बात कर, देखो शुरुआती जो T10 मुकाबला चल रहा था वहाँ पर ये 4 से 5 नंबर पर बल्लेबाजी आकर आक्रमक कर रहे थे, साथ में 2 ओवर यानी फुल गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद से बहुत सारे मुकाबले ये खेलने नहीं लगे थे, तो इस वजह से अब जो ये खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा। इनके अलावे यहाँ पर देख सकते हो गुरविंदर सिंह की बात किया, इनका 4 मैच में 11 विकेट है, वैसे लास्ट का 5 मैच में 11 है, 1 मैच में विकेट लेस गया पहले वाले में, तो इम्पोर्टेंट है, ट्राई तो करना है, कैप्टन वाइस के बारे में आपको सोचना है। अब यहाँ पर देखो गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पर डाला गया करण कानन की बात की जाए, ये इंडिया का काफ़ी बढ़िया टैलेंटेड है, स्पिन गेंदबाजी जबरदस्त करता है और बल्लेबाजी हार्ड हिटिंग करता है, लंबे लंबे छक्के जड़ते हैं, तो ये कैप्टन वाइस का प्रबल दावेदार होना चाहिए। एम बेरी की बात किया, T10 जो अभी हो रहा था वहाँ पर ये बल्लेबाजी सेक्शन में था और इनको कई मैच में ऊपर बल्लेबाजी मिला लेकिन अंत पे नीचे गया, लेकिन गेंदबाजी ये कर रहे थे लगातार इम्पोर्टेंट है। पंकज यादव लास्ट के मैच खेलना ये स्टार्ट किया, साथ में 2 ओवर ये डाल रहे थे, शुरुआती झटके कोई लगातार दे सकता है तो पंकज यादव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में मैंने स्कोर कार्ड दिया, अरविंद राजे ये भी बढ़िया गेंदबाज है, ये भी डेथ डालना चाहिए। संतोष कुमार ऐसा शिवा कुमार ऐसे मत समझना, तो इनका भी रिपोर्ट ठीक ठाक है, लास्ट सीजन देखोगे 5 से 6 मुकाबले में 1 विकेट 2 विकेट लगभग ये ले लेते हैं, तो पहले गेंदबाजी पे इम्पोर्टेंट तो रहेगा। इनकी भी बात किया, 4 ओवर ये बंदा जरूर करता है, लेकिन कितना गेंदबाज खेलेगा क्योंकि इनके टीम पे बड़े बड़े प्लेयर भी आए हैं, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा। आर राजगोपाल की बात किया, ऑलराउंडर सेक्शन में T10 में था, कई मैच में गेंदबाजी करता था कई में नहीं, लेकिन एक बढ़िया ऑलराउंडर है, गेंदबाजी 4 ओवर करेगा तो निश्चित तौर पे विकेट ले जाएगा। किसी मैच में गेंदबाजी नहीं कर रहा था तो इनका रीजन इनका ये नहीं था कि खराब गेंदबाजी कर रहा था, युवाओं को मौका दे रहा इस वजह से, नहीं तो प्लेयर तो जबरदस्त है भैया। बाकी दूसरे टीम के प्लेयर की ओर देखा जाए तो यहाँ से मैं बता दूँ, अब यहाँ पर देख सकते हो आर सुरेश का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा ऋषि राउत, आप लोगों को भी पता होगा, हम लोगों को पता, जबरदस्त गेंदबाजी ये भी करता है, अभी अभी जो हम लोगों को समाप्त हुआ था वहाँ पर हम लोगों ने T10 पे देखा। ऑलराउंडर सेक्शन में 20 सुरेंद्र, कैप्टन वाइस का प्रबल दावेदार, ये बंदा आपको 1 डाउन या 2 डाउन बल्लेबाजी करेगा, साथ में 4 ओवर वो भी जबरदस्त करके देगा। पी आशीष इंपोर्टेंट है, ये भी ठीक ठाक ऊपरी क्रम पे बल्लेबाजी करता है। बाकी यहाँ से बल्लेबाजी सेक्शन में देखा है टी प्रताप राजन, अब इनको बल्लेबाजी सेक्शन में दिया गया लेकिन है तो एक बढ़िया गेंदबाज है, साथ में हार्ड हिटिंग ये कभी कदार कर लेता है, एक बार T10 में इन्हें ओपन भेजा गया वहाँ पर इन्होंने जबरदस्त छक्के चौके जड़ रहे थे, तो ऑलराउंडर मानकर कैप्टन बीसी दे सकते हो, लेकिन ये गजब का योरकर डालता है, कैप्टन वाइस का भी प्रबल दावेदार होगा। जे डगर की बात किया, कई कबार इनको 1 ओवर मिलता था और वहाँ पर ये विकेट ले ही जाते थे, तो ये GL का ट्रंप कार्ड होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से बात आता है एस मणिकंदन का, इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, खेलेगा तो जरूर ट्राई करने का प्रयास हम लोग करेंगे। विष्णु के की बात किया, ये मिडिल ऑर्डर पे बाएं हाथ का बल्लेबाज है, ठीक ठाक है, एवरेज है, GL पर ट्राई करना, ACL का ज़्यादा प्रबल दावेदार नहीं है। जी तनवर, इनको कई बार ओपन भेजा जा रहा था लेकिन खराब प्रदर्शन लगातार ये कर रहे थे, एक मैच में इन्होंने करीबन 35 या 49 की पारी खेली थी, बाकी में फ्लॉप गए थे। अब अगर यदि हमारे टीम पे देखा जाए बेस्ट प्लेयर इनकी टीम की तरफ से अलग टीम पे टी प्रताप राजन यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा। इनके अलावा बी सुरेंद्र को मैं यहाँ पर पिक किया हूँ, 2 हो गए। इनके अलावा ऋषि रावत यहाँ से 3 हो गए। इनके अलावा यहाँ से देखा जाए पहले गेंदबाजी पे ये लोग इम्पोर्टेंट जरूर रहेंगे, फिलहाल के लिए मैं इनको अभी पिक नहीं कर रहा हूँ। के डट पांडे की बात करें, इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है तो मैं यहाँ पर इनको पिक करूँगा। अब देखो इनका रिकॉर्ड, ये गेंदबाजी थोड़ा सा कम करवा रहे थे लास्ट में लेकिन बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। सामने वाली टीम से एन शर्मा, मयंक पांडे यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा, वी सिंह खेलेगा ये इम्पोर्टेंट, जी सिंह यहाँ से इम्पोर्टेंट, करण कानन इम्पोर्टेंट रहेगा। इनके टीम पे देखो बहुत सारे प्लेयर हैं, अब ये खेलेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये खेलेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये खेलेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, तो भैया पहले खेलने तो कौन कौन खेल रहा है। वैसे यहाँ तक देखा जाए डी रोहित यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अब इन खान भी यहाँ से इम्पोर्टेंट, नदीम खान, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी पिक नहीं करूँगा, अभी मैं जो पिक कर रहा हूँ ये हमारा बैकअप टीम है, फाइनल टीम जाएगी वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कैप्टन मैं यहाँ पर बी सुरेंद्रन को देने वाला हूँ, बीसी के लिए
मैं सोच रहा हूँ किनको दूँ। यहाँ से देखो के कानन का भी रिकॉर्ड ठीक है, डी रोहित भी, टी प्रताप राज भी बुरा नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ पर देने वाला हूँ के कानन को यहाँ से भी सी। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए आप ये टीम सेव करके रख लो, लेकिन इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक फीलिंग 11 पे। तो आशा करते लक्ष्मी माँ विशहरी माँ और भगवान की कृपा से हम लोगों का दिन लौटे और हम लोग भी अच्छा खासा जरूर विनिंग करे और सारे लोगों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे।